बताया था ना आपको, डायरेक्ट टैक्स तो आपकी कमाई पर लगता है, लेकिन एक टैक्स और है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इस टैक्स का आपकी कमाई से कोई लेना देना है नहीं। आपने पैसे निकाले जेब से, कुछ खर्चा किया, और जैसे ही आपने खर्चा किया, आपके कोई न कोई टैक्स ऐसा लग जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता, और आप अपने खर्चे में से दे रहे हैं, और वो पैसा चले जाता है सरकार के पास, और उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। पहले बहुत सारे लगते थे, जैसे वैट, सेल्स टैक्स, और पता नहीं क्या क्या, इतने सारे टैक्सेस, एक्साइज, ये सारे टैक्स हैं। अब सरकार ने क्या किया, इन सबको बंद करके एक ही कर दिया, GST। बताइए आपको, तो जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, सर्विसेज देते हैं, लेते हैं, तो इन सब पर आपको देना पड़ता है GST, और ये है इनडायरेक्ट टैक्स। और इसे इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं कि आपने कमाया या नहीं कमाया कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट टैक्स सीधा आपकी कमाई पर लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जैसे ही आपने खर्चा किया, जेब से पैसे निकाल कर किसी को पेमेंट किया, समझ लीजिए आपकी जेब से सरकार को कुछ ना कुछ पैसा चला गया, और इससे तो आप बच ही नहीं सकते। तो इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स से भी बड़ा आपको मुश्किल में डालने वाला होता है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इससे बचने का।